ॐ विश्वानि देव सवितृ दूरितानि आज करनाल रोड धर्मशाला के अंदर सर्व समाज ने एक यज्ञ किया और नीरज चोपड़ा से आज तो पहले से ही है हमें ट्रैक एंड फील्ड में एक बहुत लंबे समय के बाद जब से नीरज चोपड़ा उतरा है अपने अवार्ड के लिए उनका देखे जाए तो आज तक का जितना अवार्ड रहा है हर बार उसको अप करने का काम किया। पहले भी ओलंपिक में किया, एशियन गेम में किया और जितने भी उनके कंपटीशन रहे उनमें हर बार और आपकी बार पहले ही राउंड में जो उन्होंने क्वालिफाई करने के लिए 89.34 उन्होंने भाला फेंका और पूरे देश को पूरी आस है इस चीज़ की ट्रैक पहली बार हमारे देश का गोल्ड नीरज चोपड़ा लेकर के आएगा और पूरा देश इसी की दुआ कर रहा है कि छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने इतना कमाल कर लिया। किस तरह की तैयारी है मैच देखने? यहाँ करनाल धर्मशाला के अंदर खुले में हम LED लगाएंगे और पूरे हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग होंगे। हम चाहते हैं कि पूरा देश हर एक गाँव के अंदर हर एक घर के अंदर एक जश्न मनाने का काम करें कि नीरज ने हर बार देश का गौरव बढ़ाया। देखिए पत्रकार जी, मेरे कहने से पहले आपने खुद ही कह दिया कि वो गोल्डन बॉय है और जो भारत की एक उम्मीद है कि पहला गोल्ड कौन लेके आएगा, आज रात 12 बजे से पहले ये सब की उम्मीद कायम हो जाएगी क्योंकि नीरज के लिए कोई ये नई बात नहीं है और वो पूरी मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से खेल खेलता है और जो भी व्यक्ति इस तरह शिद्दत से, ईमानदारी से कोई भी कार्य करता है उसकी जीत हमेशा निश्चित होती है और हमारे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, बल्कि समाज तो एक अलग बात है क्योंकि खिलाड़ी किसी समाज का नहीं होता, पूरा देश आज इस उम्मीद में है कि आज रात 12 बजे इस भारत देश का पहला गोल्ड आएगा। तो किस तरह की तैयारी है और करनाल जब आएंगे पहले पानीपत पहुंचेंगे फिर जी, करनाल जी इनका पूरा भव्य स्वागत होगा और हमारी जितनी भी धर्मशालाएँ हैं, जितने भी संस्थान हैं, सभी के अंदर उसकी जीत की प्रार्थनाएं की जा रही हैं। आज नीरज चोपड़ा जी 11:55 पर मैदान में उतरेंगे और रोड धर्मशाला करनाल के अंदर और बाकी जगह पर सुबह से हवन यज्ञ चल रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि वो गोल्डन बॉय द्वारा फिर भारत का गौरव बढ़ाए और गोल्ड मेडल जीत कर आए और इससे भारत का और ज़्यादा आगे यश बढ़ेगा, तो इसी उम्मीद के साथ प्रार्थना की जा रही है। तो कितनी उम्मीदें हैं उससे? 100% उम्मीदें हैं और परमात्मा पर विश्वास है क्योंकि उसके बच्चे की जो मेहनत है, डिवोशन है, वो अपने कार्य के प्रति बड़ी निष्ठा से लगा हुआ है और परमात्मा उसको जरूर उसका फल देगा और वो गोल्ड मेडल जीत कर ही भारत का मान सम्मान बढ़ाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।